हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी कि नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए और आरएनए की स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। किस बात की देरी है? यस, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो देखने को मिले। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में, यानी कि आज की क्लास का हीरो कौन है? आज की क्लास का हीरो है डीएनए। तो डीएनए का पूरा नाम तो जानो। देखो भाई, जैसे चेन्नई के लोग होते हैं ना, उनका नाम कितना बड़ा होता है, वैसे ये है। उतने तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका नाम क्या है? इनका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, अमल, बाकी हिंदी में सेम है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अमल। क्लियर है इतनी बात? तो डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसने इसकी खोज की? तो याद रखना है आपको, डिस्कवरी किसने की? दो साइंटिस्ट, एक का नाम था वॉटसन और एक का नाम था क्रिक। तो वॉटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट ने डीएनए की खोज की। आप लोग पहले से जानते हैं कि ये सेल, सेल के अंदर का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर का क्रोमेटिन जब देखा तो वो दिखा कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम जैसा। जब इस क्रोमोसोम को देखा तो इसके अंदर हमें मिले डीएनए, और क्या मिले इसके अंदर हमें? प्रोटीन, ठीक है। लेकिन आज की क्लास किस पे है? डीएनए के ऊपर। अब हम बात करेंगे इस डीएनए के बारे में। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि डीएनए की शेप क्या होती है, डीएनए का आकार क्या होता है। तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, इसको हेलिक्स कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हेलिक्स है, और कितने हेलिक्स है इसके पास? दो। तो डीएनए का आकार होता है डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। दिखने में कुछ ऐसा लगता है, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं है। देखो, इसमें और भी आपको चीजें देखने को मिलती है। आपको इस तरीके से ना, कभी आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो ऐसा दिखने को मिलता है स्ट्रक्चर। इसके ऊपर कुछ पड़ा होता है, क्या पड़ा होता है जानेंगे। और क्या देखने को मिलता है आपको? देखने को मिलता है ये आपस में जुड़े भी होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा देखने को, ऐसा स्ट्रक्चर आपको डीएनए का देखने का मिलेगा, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डीएनए फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसने खोजा? वॉटसन और क्रिक ने। कहां पर होता है? क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। अगली चीज, आकार क्या है? डबल हेलिक्स, ठीक है। और क्या याद रखना है? डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं, डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं जीन। क्या पाए जाते हैं? जीन। बस इस लाइन को याद रखो। क्या लाइन बताई मैंने? लाइन लिखते हैं, बस ये लाइन याद रखनी है कि डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं जीन। और जीन क्या है? जीन है हेरिडिटरी यूनिट, यानी कि जीन है आनुवांशिक इकाई, यानी कि वो इकाई जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। हम देख चुके हैं, देखो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन जाता है? क्रोमोसोम जाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए जा रहा है। और हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर जीन है, तो हम बोल सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन जा रहा है? जीन जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या क्या जाता है, ठीक है। एक के अंदर एक चीज बैठी है, उसके अंदर एक चीज बैठी है, तो तीनों इकट्ठे ही जाएंगे ना, ठीक है। अगर मान लीजिए आप और मैं एक कार में बैठ जाएं, और कार दिल्ली से लुधियाना जा रही है, ठीक है, कार दिल्ली से लुधियाना जा रही है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि लुधियाना में सिर्फ और सिर्फ गाड़ी मिलेगी, मैं और आप मिलेंगे ही नहीं, हम तीनों ही मिलेंगे ना। तो बस वही हो रहा है कि गाड़ी जो है वो अपने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, बच्चों में जा रही है। गाड़ी का नाम है क्या? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में आप और मैं बैठे हैं, डीएनए भी बैठे हैं, मतलब आप डीएनए हो और मैं कौन हूं? जीन। तो हम दोनों भी जा रहे हैं साथ साथ में, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। जीन क्या है? हेरिडिटरी यूनिट। क्वेश्चन यही है, क्या होती है हमारी अनुवांशिक इकाई? जीन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अगली चीज, डीएनए किससे मिलकर बनता है? डीएनए कंपोज्ड ऑफ
डीएनए किससे मिलकर बनता है? डीएनए मिलकर बनता है किससे? न्यूक्लियोटाइड से. किससे? न्यूक्लियोटाइड से. न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है. क्या यहां पे कहानी खत्म हो गई? नहीं हुई. अभी न्यूक्लियोटाइड भी मिलकर बनता है तीन चीजों से. क्या है वो तीन चीजें? न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनता है एक, दो और तीन चीजों से. वो है पहला फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट आप जानते हो, फॉस्फोरस, उसकी का ग्रुप होता है. चीनी के मॉलिक्यूल होते हैं, यानी शुगर होता है, चीनी के मॉलिक्यूल होते हैं. और क्या होते हैं? और होते हैं नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार होते हैं. इतना ही पढ़ना है? नहीं, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के क्षार के बारे में. ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए तो मैं डीएनए करवा रही हूं. नाइट्रोजन के क्षार के बारे में पढ़ेंगे. मैंने बताया ना कि ये चीज जो है इसमें ये क्या पढ़े हैं, यही तो मेरी कहानी है. ये बताने के लिए मैं यहां तक आई हूं. ठीक है, तो मैंने क्या बताया? डीएनए, डीएनए के ऊपर जीन तो पड़े ही होते हैं, अदरवाइज उसके अलावा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है और न्यूक्लियोटाइड के अंदर होते हैं फॉस्फेट के ग्रुप, चीनी के ग्रुप और नाइट्रोजन के बेस. अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बेस की. नाइट्रोजन के बेस होते हैं चार, जो कि डीएनए में मिलते हैं. कौन कौन से हैं वो चार? चार नाइट्रोजन के बेस होते हैं. कौन कौन से? ए एट चंडीगढ़, एट चंडीगढ़, ए टी सी जी. ठीक है, क्या होते हैं? ए एडिनोसिन, टी थायमीन, सी साइटोसिन और जी ग्वानिन. हिंदी इंग्लिश सेम है भाई, लिख देते हैं एडिनोसिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन. ग्वानिन डीएनए इन चार से मिलकर बनता है. अब ध्यान से सुनो, ये जो चीज बनाई थी, ये चीज जो बनाई थी, इसमें जो ये पड़ा है, ये पड़े हैं एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन. ठीक है, और ये जो इनके बीच में बनाया था, ये वाला, ये जो बनाया था, ये होते हैं क्या? ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि हमेशा 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 कभी हमेशा ए जो है वो टी से जुड़ेगा, कभी ए जी से नहीं जुड़ेगा, सी से नहीं जुड़ेगा. हमेशा ए जो है वो टी से ही जुड़ेगा, और बचा क्या? जी हमेशा सी से जुड़ेगा. और क्या याद रखना है? ए टी से जुड़ता है द्विबंध, यानी कि द्विबंध का मतलब डबल बोन से. किससे? डबल बोन से. और जी सी से जुड़ता है त्रिबंध, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से. किससे? ट्रिपल बॉन्ड से. याद रहेगी ये बात. चार नाइट्रोजन बेस हैं, चार हैं ए टी जी सी. ए हमेशा टी से जुड़ेगा, जी हमेशा सी से जुड़ेगा. ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो ये क्या है? अगर ये ए है तो ये टी है, ये जी है तो ये सी है. तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर एक डीएनए में, अगर एक डीएनए में 20% एडिनोसिन है और 40% या फिर और आप मान लीजिए 20% एडिनोसिन है, तो थायमिन कितना होगा? थायमिन भी 20 ही होगा, क्योंकि इक्वल जरूरी है. तो ग्वानिन कितना होगा? ग्वानिन कितना होगा बताओ? 40 तो हो गया, टोटल 100 करना होता है, बचे कितने? 60. तो 30 साइटोसिन और 30 ग्वानिन. क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल आएगा, आपको पता होना चाहिए ये बात. ठीक है, अब बात करते हैं आरएनए की. अगर डीएनए समझ में आ गया, आरएनए 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट का. आरएनए, अब हीरो कौन बन गया? आरएनए. आरएनए की फुल फॉर्म, वहां पे डीऑक्सी था ना, डी का, यहां पे बाकी कुछ नहीं है. राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, किसने खोजा? खोज यानी डिस्कवरी करी किसने? एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्राइड रिच. फ्राइड होकर अमीर हो गए. कोई फ्राइड होता है तभी तो, मतलब मेहनत करता है तभी तो वो अमीर बनता है ना, रिच बनता है. तो फ्राई हुआ इंसान तभी वो रिच बना, फ्राइड रिच. ठीक है, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज करते हैं एग्जाम वाले.
फ्राइड राइस। अगली चीज, आरएनए का काम क्या है, कार्य, वर्क क्या है? वर्क है प्रोटीन बनाना। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आरएनए भी जैसे डीएनए चार नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनता है ना, आरएनए भी चार नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनता है। किसे? चार नाइट्रोजन बेस से। कौन कौन से हैं वो देखो, डीएनए क्या क्या थे? डीएनए का था हमारे पास ए टी जी सी। ए हमेशा टी से जुड़ता था, जी हमेशा सी से जुड़ता था, यही था ना, ऐसे लिख दिया मैंने, चार थे डीएनए के पास। आरएनए के पास कुछ डिफरेंस नहीं है, बस टी नहीं होता। क्या नहीं होता? टी नहीं होता, टी की जगह यू होता है और यू की फुल फॉर्म है यूरेसिल। क्या नाम है? यूरेसिल। बाकी आरएनए सेम, बाकी आरएनए सेम। तो समझ में आ गई बात, आरएनए की खोज किसने की? फ्राइड रिच ने। उसके अंदर चार नाइट्रोजन बेस होते हैं, बस थायमीन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है। तो यहां पर हमारा डीएनए खत्म, हमारा आरएनए खत्म, हमारा कोशिका चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऊतक के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यस, मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फैलाते रहिए इसे, ताकि हम लोग मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।